गेट एग्जामिनेशन एस्परेंट्स के लिए ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी वेल यू कैन टर्न ऑन दी इंग्लिश सब टाइटल्स क्लिक ऑन सी सी यहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ़ यू आर डूइंग इट फ्राम एब्सोल्यूट जीरो द नेक्स्ट सेवन मंथ प्लान मेजर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं माइनर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा दिखना चाहिए अक्टूबर नवम्बर दिसंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इसे स्किप या फिर स्वीप करके मत देख लेना क्योंकि पार्शल इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी डेंजरस तो देखना है और गेट का प्रिपरेशन करना है तो अच्छा से कर लो और एंड तक देख लो नहीं तो अभी निकलने का टाइम है क्योंकि जैसा मैंने बोला वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा क्योंकि आधा सीखोगे फिर कुछ कुछ कर दोगे उसके बाद प्रिपरेशन ख़राब होगा फिर एक साल बाद ठीक है तो ये एक स्टूडेंट के साथ कन्वर्सेशन है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सब कुछ ध्यान से सुनना और नोट्स भी ले लेना क्योंकि इस पर पूरा बेस होगा तुम्हारा प्रिपरेशन छः साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनो अगर गेट के लिए तुम सीरियस हो तो पहला काम तुम्हें ये करना है कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लेना ठीक है ये तुम्हें बहुत सारे वेबसाइट में फ्री के भी मिल जाएंगे लेकिन वो हमेशा देर इज़ ऑलवेज अ प्राइस अटैच टू एवरी ठीक है तो बेस्ट okay. है कि वो तुम्हारा थ्रू आउट द प्रिपरेशन काम आएगा कई बार तो ये सालों साल काम आते हैं ठीक है क्योंकि आगे के भी जितने एग्ज़ाम्स होंगे तो एक कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद लो तुम अमेजन में जाके सर्च कर लो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करके तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे पूरे जो करीब 12 सब्जेक्ट्स होंगे ना गेट के वो सारे तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज होंगे ठीक है उसमें मोस्ट लाइकली तुम्हारा फर्स्ट पेज में हर सब्जेक्ट के फर्स्ट पेज में लिखा होगा कि इस ईयर में इतने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आए इस सब्जेक्ट से okay. समझ गए ये तुम्हें ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं वेबसाइट में मिल ही जाएगा मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ कि एक okay. पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए तो ये ये नंबर्स जनरली तुम्हारा वैरी करता है टू टू थ्री मार्क्स से लेके फिफ्टीन मार्क्स तक गेट एग्जाम में ठीक है तो जो ये टू टू थ्री मार्क्स वाला डोमेन हुआ इसे हम बोलते हैं माइनर सब्जेक्ट ठीक है और ये जो टेन टू फिफ्टीन या ट्वेल्व टू फिफ्टीन के रेंज में जो हुआ ये हो गया तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट्स और इट गाइज एक अनाउंसमेंट है इस वीडियो के स्पॉन्सर से दैट इज़ अन अकेडमी अन अकेडमी ने सेवन डेज हंड्रेड परसेंट फ्री सब्सक्रिप्शन ट्रायल लाया है ये सेवन डेज़ का ट्रायल इज मोर देन सफिशियंट तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए अगर तुम एक रिपीटर हो तो अगर तुम फ्रेशर हो और तुम्हें ट्राई करना है कि ये कोचिंग कैसा होगा या फिर ये सब्सक्रिप्शन कैसा होगा तो दिस इज़ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे टू डू इट जस्ट लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि तुम्हारा ऐप का ही लिंक है ऐप में जाओगे सब्सक्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे एक फ्री ट्रायल का ऑप्शन आएगा उसे सेलेक्ट कर लो मेरा कोड डालना होगा दैट इज़ आशीष चंडस्कोर टी ओ आर के एज सिंपल इज दैट तुम्हें सात दिन का सब्सक्रिप्शन मिल गया कैच ये है कि बस पहले पच्चीस हज़ार लोगों को ये ऑफर मिलेगा उसके बाद एंड है तो जल्दी जाओ जितना जल्दी हो सके अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के, के काफ़ी फ़ायदे भी हैं जैसे डेली लाइव क्लासेस होंगे तुम्हारे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज़ होंगे अनलिमिटेड एक्सेस है कि तुम कोई भी क्लास को कभी भी एक्सेस कर सकते हो लाइव हो तो ठीक है नहीं तो रिकॉर्डेड भी सही है ठीक है और जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं काफ़ी लाइव इंट्रैक्शन होता है मैंने भी वहाँ पे काफ़ी लाइव क्लासेस लिए हैं भले मेरे तो फ्री है कोई भी एक्सेस कर सकता है लेकिन जो प्लस के क्लासेस हैं सारे वो भी ऐसे ही काफ़ी इंट्रैक्टिव होते हैं तो तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो वहाँ के फैकल्टीज़ काफ़ी तुम्हारे साथ इंट्रैक्टिव रहेंगे और तुम्हें गाइड भी करेंगे तो काफ़ी अच्छा है तुम खुद ही देख लो पहले सेवन डेज में यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्लस स्टूडेंट ओनली तो खुद ही ट्राई कर लो अपार्ट फ्रॉम दैट अगैन मैं फ्री लाइव सेशन करूँगा सैटरडे सेवन पी एम हर सैटरडे की तरह क्यू एन ए सेशन है वहां पे तुम अपना क्वेश्चन मुझसे भी पूछ सकते हो और वहां पे हम और भी डिटेल में बात करेंगे पूरे एक घंटे के लिए गेट के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा अब हम वीडियो में वापस आ रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां से मेरे करीब बारह से पंद्रह मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स गेट इज ऑफ हंड्रेड मार्क्स ठीक है तो तुम अगर इसे जोड़ के देखोगे तो देर विल बी फाइव टू सिक्स सब्जेक्ट्स जहाँ से तुम्हारे टेन टू फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है तो अगर तुम सिंपल मैथ्स उसको लगाओगे तो यू आर लुकिंग एट क्लोज टू सिक्सटी परसेंट एटलीस्ट मार्क्स फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स दैट इज़ वाई दे आर मेजर सब्जेक्ट अनदर रीजन वाई इट इज मेजर और दे आर मेजर सब्जेक्ट इज बिकॉज ये एक फाउंडेशन uh, बनाता है तुम्हारे आगे के माइनर सब्जेक्ट्स के लिए तो तुम okay. जहाँ पे भी एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं ना जहाँ से दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आ, आ रहे हैं या तीन क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है या फिर टू टू फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बस गेट एग्जाम में ये देखोगे दे आर ऑलवेज एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स ठीक है और एक चीज तुम नोटिस करोगे कि तुमने जो कॉलेज में पढ़ा सेमेस्टर में तो तुम्हारे जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए गए या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाए गए थर्ड सेमेस्टर इज द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर ब्रांच है ना उसके पहले तो सारे कॉमन रहते हैं ठीक है तो ये जो थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़ाए गए या फिर जो हाँ। तुम्हारे बी में पहले पढ़ाए गए वही तुम्हारे हाँ। मेजर सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि अच्छा। जब तक तुम्हारा ये फाउंडेशन नहीं होगा आगे का सब्जेक्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा ऐसे भी ठीक है गेट के एस्परेंट्स को तो कुछ भी छूट है वो कुछ भी पढ़ लेते हैं ठीक है लेकिन पढ़ा ऐसे ही जाता है ताकि तुम्हारा बेस बनता जाए और ऑब्वियसली तुम्हें ये हेल्प करेगा आगे के सब्जेक्ट में तो ऐसे तुम्हें फाइव टू सिक्स सब्जेक्ट पिक करने जो तुम्हारे टेन टू फिफ्टीन मार्क्स ऐड करते हैं इसमें एक पक्का से पक्का कौन सा रहेगा मैथ्स ठीक है मैथ्स गारंटीड रहेगा ठीक है लेकिन मैथ्स को मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा वी नेवर स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स अनटे अनलेस इट तुम बहुत ही प्रेमी हो मैथ्स बहुत ही ज्यादा पसंद है ठीक है तो वो तो डिफरेंट केस okay. हो गया लेकिन मैथ से जनरली हम स्टार्ट नहीं करते हम स्टार्ट करते किसी कोर सब्जेक्ट से जैसे okay. तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में तुम्हें पता होगा मुझे तो नहीं पता हाँ, तुम्हारे हर सारे और भी हाँ और ठीक है हाँ, एक तुम गेट का सिलेबस भी डाउनलोड कर लेना इसे लोग बिल्कुल इग्नोर करने लगे आजकल लेकिन एक टाइम था जब गेट का सिलेबस लोग अपने दीवार पर चिपका के रखते थे क्योंकि उस टाइम हाँ। पे इतना ज्ञान नहीं था ऑनलाइन तो लोग ख़ुद से ही सोचते थे कि क्या क्या पढ़ना है लेकिन अभी भी वो जरूरी है क्योंकि अभी तुम जीरो पे हो ठीक है तो वो गेट हाँ। का सिलेबस तुम्हारे सामने रहेगा ना तो तुम उसमें कट करते जाओगे कि ये टॉपिक हो गया ये टॉपिक हो गया सिलेबस ऑफ गेट इज़ गेट इज़ अ वेरी सिलेबस इंटेंसिव एग्जामिनेशन मतलब वो सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछता बहुत बार तो सिलेबस okay. का चीज़ भी नहीं पूछता 2016 में थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है सारे सब, सारे ब्रांचेस का yeah. लेकिन इवन बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हुए उससे आज तक हमने क्वेश्चंस नहीं देखे ठीक है वो हो सकता है लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं पूछेंगे ये मैं बोलना चाह रहा हूँ ठीक है okay. तो इसीलिए तुम्हारा वो सिलेबस सामने रहना चाहिए तुम्हें पता है कि okay. गेट ने क्या सिलेबस दिया है ठीक है okay. और उसके बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा बी में ये था लेकिन शायद ये गेट में नहीं था ठीक है जैसे तुम्हारे कंप्यूटर साइंस का मैं एक बोल सकता हूँ सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई सब्जेक्ट था वो गेट में इम्पोर्टेंट नहीं।, नहीं है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बार्क दो ठीक है वो बार्क में पूछे जाते हैं ठीक है तो उस हिसाब से तुम सोच सकते हो कि एग्जाम टू एग्जाम क्या होता है ठीक तो है, है तो तुम्हारा अभी गेट में टारगेट है गेट ही तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है तो तुम्हारा गेट का सिलेबस क्लियर होना चाहिए और वन बाय वन तुम सब्जेक्ट को ऐसे ही कवर करोगे तो तुम यही बोल रहे थे कि पैटर्न क्या होना चाहिए तो आउट ऑफ योर फाइव मेजर सब्जेक्ट तुम्हारा जो भी फेवरेट है जो भी तुम्हें सबसे अच्छा लगता है वहाँ से स्टार्ट करो okay. क्योंकि फर्स्ट तुम्हारा सबसे डिफिकल्ट होगा तुम्हें पैटर्न नहीं पता कैसे पढ़ना नहीं पता कहाँ से पढ़ना नहीं पता पढ़ने के बाद क्या करना नहीं पता रिवीजन के बारे नहीं। में नहीं पता वो धीरे धीरे तुम सीखोगे यही सारी चीजें नहीं पता मतलब जैसे आपने बोला एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर उसको रिवीजन कैसे कैसे करना है कैसे लगानी है टेस्ट सीरीज लगानी देखो तो इतना तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे उसके बाद सेकेंड फेवरेट थर्ड करके पहले पांच मेजर सब्जेक्ट तुम कम्पलीट कर दोगे ये तुम्हारा चलेगा जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर तक तुम्हारा ये काफी क्लोज होने लगेगा मतलब फोर्थ सब्जेक्ट तक पहुंच जाओगे तुम सितंबर तक ठीक है okay. अक्टूबर तक हमारा ये टारगेट है कि सारे मेजर सब्जेक्ट्स तो हो ही जाए क्योंकि माइनर भी तुम्हारा दो महीना करीब ले गई तो जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा बात है आ, लेकिन yeah. इस हिसाब से तुम्हें एक प्लान बनाना होगा सेवन मंथ्स बचे हैं okay. ना तुम्हारे अभी तो तुम्हें सेवन मंथ्स का प्लान बनाना होगा कि इन सेवन मंथ्स को मैं कैसे कैसे सेग्रीगेट करूँ ठीक है तो रिविजन okay. तो बाद का बात है इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा सो देखो जुलाई फर्स्ट वीक से तुम्हारा जॉब स्टार्ट हो रहा है लेकिन अभी जून से ही तुम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे ना तो हाँ है, जून से, बस, जून तो, से ही स्टार्ट है है। हाँ तो फिर तुम्हारा भी, अभी टोटल टोटल सेवन मंथ्स जो बच रहा है उसमें से जनवरी को तो हटा दो है ना क्योंकि जनवरी में क्या होता है बस टेस्ट सीरीज होता है रिवीजन होता है और प्रैक्टिस होता है ठीक है वहाँ कोई सिलेबस कंप्लीशन नहीं होता ठीक तो okay. ये तो दिस इज़ डिफ़रेंट फ्रॉम एनी अदर सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर और जनवरी दोनों को ही हटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा तुम्हें बफर या टॉलरेंस लेना पड़ेगा कि एनी प्लान यू मेक वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ होकर वो शिफ्ट हो जाता है ठीक है yes. तो अगर तुम yes. वो टॉलरेंस नहीं लोगे और अभी से प्लान करके बैठोगे कि दो सब्जेक्ट मुझे दिसंबर को कंप्लीट करना है तो वो दो, दो सब्जेक्ट तुम्हारे कब कंप्लीट होंगे जनवरी में ठीक है तो फिर तुम्हारा टेस्ट सीरीज नहीं हो पाएगा ये बहुत लोगों के साथ होता है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाया टेस्ट सीरीज़ नहीं हो पाया रिविजन नहीं हो पाया जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम बर्बाद हो गया लास्ट मोमेंट में ठीक है तो दिसंबर और जनवरी को अभी छोड़ दो जून जुलाई और अगस्त को लेके चलो कि मुझे मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं सितंबर और अक्टूबर लेके चलो कि मुझे माइनर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं सितंबर ऑनवर्ड्स तुम अपने मैथमेटिक्स साइड बाय साइड स्टार्ट कर सकते हो और अपना एप्टीट्यूड अक्टूबर में स्टार्ट कर सकते हो तो मैं okay, बस पॉइंट yeah. पे ये आ रहा था कि तुमने सोच लिया है कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है या कहाँ से फॉलो करना है तो यू हैव अ सेट ऑफ लेक्चर्स ठीक है जो कि तुम एक एक करके कंप्लीट करना स्टार्ट करोगे ट्राई टू कंप्लीट एवरी सब्जेक्ट इन द रेंज ऑफ ट्वेंटी डेज टू मैक्सिमम फोर्टी टू फोर्टी फाइव डेज समझ गए ठीक okay. है ऐसे okay. करके तुम्हारा सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कम्पलीट होते जाएंगे okay. और उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि एक पॉइंट पे तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा ये तुम्हारा एक

Okay. वो दैट कैन बी विद इन वन डे और टू डे ठीक है मैक्सिमम इट विल टेक फिफ्टीन आवर्स अगर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो ठीक है? है और और यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस अ वीक कि हर रोज दो घंटा मैं रिवाइज कर रहा हूँ ठीक है तो okay. इस तरह मतलब से आपका मतलब है कि रिवीजन करो तो उसमें नहीं, इंक्लूड नहीं वो डिपेंड करता है ना वही मैं बोल रहा हूँ अगर तुम टू आवर्स दे रहे हो डेली रिविजन को फॉर वीक तो ऑब्वियसली वो पैरल में चल रहा है ना तुम कुछ और भी कर रहे हो अगर तुमने उसके गया, लिए गया, दो दिन असाइन कर दिया तो वो मतलब ठीक है बीच में आ गया समझ गया तो इस हिसाब से हम रिविज़न करेंगे रिविजन में भी सब कुछ नहीं किया जाता है रिविजन इज नॉट स्टडिंग अगैन ठीक है तो okay. अगर तुम अपना काम स्ट्रेटेजिकली करोगे जैसे तुम क्लास अटेंड कर रहे हो तो क्लास okay. नोट्स तुम अच्छे से बना रहे हो प्रॉपरली क्लास के okay. जस्ट बाद तुम्हें क्लास नोट्स को रिवाइज़ करना है जो भी क्लास okay. में तुमने नोट्स बनाए तो लेटेस से इट इज़ अ सिक्स आवर लॉन्ग क्लास जो कि अभी तो बहुत कम ही होता है तो लेटेस से टू आवर लॉन्ग क्लास ठीक है तो उसका रिविज़न okay. ऐसा नहीं है कि घर आके भी हम दो घंटे पढ़ रहे हैं ठीक है ऐसा नहीं हो सकता okay. नहीं तो फिर तो वो तुम्हारा टाइम उतना इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे तुम क्योंकि इक्वल टाइम इनटू टू टाइम कौन इन्वेस्ट कर सकता है हाँ तो फिर okay. तुम्हारा दो घंटे का अगर क्लास है तो दैट शुड भी रिवाइज मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन फोर्टी फाइव मिनट्स और सो ठीक है क्योंकि वो बस क्विक okay. रिविज़न है इस रिविजन में तुम क्या करोगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ अंडरलाइनिंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट वट एवर वॉज स्टॉट जो समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन बहुत तरह का चीज़ पढ़ाया जाएगा इवन तुम अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे ना वो हर चीज़ ah. जो गेट में आता है सिर्फ वही नहीं बता सकते वो क्योंकि yeah. उसके लिए फाउंडेशन भी चाहिए तो अब जो गेट okay. के लिए इम्पॉर्टेंट है दैट विल बी अंडरलाइन फार्मूलाज विल बी पुट इन टू अ बॉक्स तो ये सारी चीज़ करके तुमने अपने नोट्स को और ईज़ी टू रीड कर दिया लेट अस से वन मंथ लेटर ठीक है okay. तो ये अंडरलाइनिंग पार्ट और इम्प्रूविंग योर नोट्स दिस इज़ वन पार्ट इसके लिए जनरली हम एक डिफरेंट कलर ऑफ पेन रखते हैं ताकि हमें समझ अस से इट इज़ ग्रीन कलर पेन तो एक okay. महीना के बाद जब तुम रिवाइज कर रहे होगे तो फिर तुम ओनली ग्रीन कलर पार्ट्स को तुम रिवाइज करोगे तो यू आर नॉट रीडिंग एवरीथिंग अगेन तो तुमने अपना टाइम इन्वेस्टेड को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया अगर तुम इंस्टेंट okay. अगर तुम पूरे क्लास नोट्स को जो कि जनरली कुछ कितने सौ दो दो सौ पेज तो आराम से पहुँच जाएंगे उसको अगर तुम पेज बाय पेज पढ़ रहे हो तो तुम बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक है? है जो कि करना नहीं है गेट एग्जाम के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं है गेट एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ठीक है okay. तो इसीलिए पढ़ने में टाइम जितना कम देना है उतना ज़्यादा सही है ऑब्वियसली जो पार्ट रिक्वायर्ड है वो तो करना ही है, है? तो तुम्हें इसी तरह से अंडरलाइन पार्ट्स को रिवाइज uh, करना होगा तो इसीलिए जब तुम क्लास नोट्स बना रहे हो या फिर उसके क्लास के जस्ट बाद रिवाइज कर रहे हो तो वो पार्ट्स को अंडरलाइन करना है या फिर अपने नोट्स को ईजियर बनाना है पढ़ने के लिए दूसरा चीज okay. उसी टाइम पे तुम्हें शॉर्ट नोट्स माइक्रो नोट्स बनाते रहना जिसमें सिर्फ फार्मूलाज रहेंगे ठीक है ओके okay, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गारंटी सॉल्व करना ये कंप्यूटर साइंस में एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट जनरली गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे नहीं सॉल्व करते जो क्लास में करा दिया वही करा दिया ठीक है लेकिन मैं जितने बार भी कंप्यूटर स्टूडेंट से बात करता हूँ वो यही बोलते हैं तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चाहिए भाई जिस एग्ज़ाम में तुम अपियर कर रहे हो उसके क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तुम छोड़ के कैसे जा सकते हो ठीक है तो सब्जेक्ट okay. वाइज जैसे वो टॉपिक वाइज खत्म होते जा रहा है मान लो एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खत्म हो गया उसी दिन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट okay. होने से पहले डिले मत करना नहीं तो वो बैकलॉग बहुत गंदा होता है फिर कभी नहीं कर पाओगे ठीक है okay. फिर वो नेक्स्ट ईयर okay. होगा

पहला कि तुम रिवाइज़ करो जितने जो भी तुम्हारे क्लास नोट्स है और अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट चीज़ों को दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो उस चैप्टर के क्योंकि तुम्हारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज ही रहेंगे और तीसरा हो गया तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बनाना ये तीन चीज़ करोगे तब तुम्हारा रिविजन ईजिली होगा अब मान लो लेटेस्ट से जुलाई वन को तुम्हारा एक सब्जेक्ट कम्प्लीट हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट ठीक है तो इसी तरह से तुमने रिवाइज भी किया शॉर्ट नोट्स भी बनाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाया अब अगस्त वन को मार्क कर लेना अपना कैलेंडर में कि इस टाइम पे मुझे ये फर्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करना है समझ के okay. तो इस तरह से तुम्हारा रिवीजन पैरेलल में चलता है ठीक है okay. तो अभी इतना ही रिविज़न का सोचो बाद में तो वो टेस्ट सीरीज़ को यूज़ करके साइकिल रिविज़न भी करते हैं तो वो तो बाद की बात है उसमें एक दो तो वीडियो फॉलो कर लेना समझ में आ जाएगा अभी बोल दूंगा तो ऐसे भी भूल जाओगे वो तुम्हारा आएगा सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जब तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को यूज करके तुम रिवाइजन कर मतलब और ये पूछना था इसको टाइम मैनेजमेंट जॉब के संग कैसे होगा मतलब मेरी आदत नहीं है बोर्डिंग तो में रहा हूं मॉर्निंग हैबिट नहीं है चलो हैबिट डालना पड़ेगा ठीक है क्योंकि तुम जॉब अभी तुम अगर अपने ऑफिस में जाके बोलते हो कि अरे मैं तो नाइट पर्सन हूँ तो तो बोलेंगे ना हैबिट डालना ओ, पड़ेगा ठीक तो है तो भैया मतलब तो कैसे करें सात लें या फिर सेवन टू नाइन मतलब उठने का आदत डालना होगा तुम्हें तुम्हारा जॉब क्या वर्क फ्रॉम होम तो नहीं होगा शायद ऑफिस जाके करना नहीं मुझे पुणे या कोयम जाना पड़ेगा ओके मतलब डेली ऑफिस जाने वाला होगा ना तुम्हारा वर्क तो ठीक ठीक है तो वो उसका फिक्स टाइम होगा मोस्ट लाइकली एट या नाइन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग तुम्हें जाना होगा वहाँ पे ठीक है तो ये ध्यान रखना कि ऑफ़िस जाने से पहले तुम्हारा गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए ऐसा नहीं कि उठते ही सीधा ऑफिस पहुँच गए ठीक है क्योंकि वो तुम्हारा लाइफ नहीं है मेन लाइफ तुम्हारा ये है जो तुम्हारा गेट एग्जाम बनाएगा अभी ठीक है तो इसीलिए अर्ली उठना स्टार्ट करना होगा अभी तो तुम स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत डिफिकल्टी होगा तो सिक्स ओ क्लाक उठने का ट्राई करो ठीक है अभी तो ऑफिस okay भी नहीं है तुम्हारा तो सेवन या एट ओ उठने का ट्राई करो क्योंकि अभी तुम अपना और भी आदत खराब कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा तुम्हें पता है तुम्हें जॉब ज्वाइन करना है आखिरी महीना है घर का खाना भी मिल रहा होगा तो तुम और भी ज़्यादा लेट उठ रहे लेकिन अभी से ही तुम्हें उसे धी, धीरे धीरे करना होगा नहीं तो फिर बहुत ही एब्रप्ट होगा ठीक है okay तो अभी okay. आठ बजे भी उठ सकते हो फिर धीरे धीरे उसको सेवन ओ करो सिक्स ओ करो ठीक है और ऐसे करते करते तुम्हारा एम रहना चाहिए कि कम से कम फाइव ओ में डेली उठ रहा हूँ तो फाइव टू एट में थ्री आवर्स पढ़ पा रहा हूँ सुबह उठ के सुबह का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है उसी में तुम नए चीज़ों को पढ़ते हो सीखते हो कॉन्सेप्ट ग्रास्क करते हो ब्रेन फ्रेश होता है स्पेशली जॉब के बाद जब तुम शाम को आओगे छः बजे तो तुम्हारा माइंड में उतना कैपेसिटी नहीं रहेगा कि बिल्कुल नए फ्रेश चीज़ों को समझ लूँ क्योंकि जो भी तुम करोगे उसमें डबल टाइम लगेगा ठीक है और इन सब चीज़ों में टाइम ज़्यादा भी लगता है तो समझ लो तुम्हें नेक्स्ट तुम्हेंट इम्पॉसिबल लगने लगेगा फिर वैसे ही okay. लोग बहुत जल्दी क्विट करते हैं या गिवअप करते हैं क्योंकि उन्हें इट डज नॉट सीम फिजिबल टू देम ठीक है okay. हाँ प्रैक्टिस कर लिया टेस्ट लगा लिया, हाँ, लिया, लिया रिविजन okay. कर लिया ये सारे चीज़ काफ़ी होते हैं ठीक है जो okay. तुम ऑफिस के बाद कर रहे हो और तुम ऑफिस से थक भी गए हो तो तुम्हें नींद भी जल्दी आ जाएगा उस टाइम पे तुम रात भर जग के करो उससे अच्छा है कि सुबह जल्दी उठ जाओ ठीक है फ्रेश माइंड से पढ़ाई करो तो इसीलिए विद जॉब इट बिकम्स योर जॉब टू वेकअप अगर तुम गेट का तैयारी कर रहे हो तो ठीक है थीक।